forget to click the subscribe button. Hi friends, मैं आपकी दोस्त कविता अपने किचन में आपका स्वागत कर रही हूँ. आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्पेशल पॉपुलर इंडियन वेजिटेरियन रेसिपी जिसका नाम है बिरयानी, जो कि इंडिया और साउथ इंडिया की जो स्पेशल बिरयानी की रेसिपी है, बहुत फेमस रेसिपी है, हैदराबादी बिरयानी. सो जैसा कि मैं हैदराबाद से आई हूँ तो मैं आपको बताती हूँ बिरयानी कैसे बनाते हैं, लेकिन मैंने इसमें एक ट्विस्ट दिया है, पनीर बिरयानी बनाना सिखा रही हूँ आज आपको. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिक रेसिपी है जो कि सब लोगों ने सुना होगा, बिरयानी. सो आइए देखते हैं पनीर बिरयानी कैसे बनाते हैं. मैं इसमें पनीर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो और कोई सब्जी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है. जैसा कि आप गाजर इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको मैरिनेट और फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह की मैं पनीर को कर रही हूँ. और अगर आप आलू इस्तेमाल कर रहे हैं तो जैसा मैं पनीर को किया है वैसे आप यूज़ कर सकते हैं. मटर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो मटर आप वैसे ही इस्तेमाल करिए जैसे मैं बाकी सब्जियों का इस्तेमाल कर रही हूँ. तो अलग अलग सब्जियों को डालने का, बिरयानी में डालने का अलग अलग तरीका होता है. सो पहले आइए देखते हैं हम पनीर का इस्तेमाल करके कैसे बनाते हैं. और जैसे कि मैंने आपको बताया, गाजर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वैसे ही इस्तेमाल करिए जैसे मैं बाकी सब इस्तेमाल कर रही हूँ. आलू का इस्तेमाल आप वैसे करिए जैसे कि मैं पनीर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैं पनीर यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ और आलू भी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं पनीर को पहले अलग से कुक करूँगी, फिर उसके बाद मैं आलू को बाकी सब सब्जियों के साथ उसको कुक कर रही हूँ. सबसे पहले एक कप बासमती चावल लीजिए, उसको एक बाउल में लेकर मैं उसको अच्छे से धो रही हूँ. कम से कम दो बार बासमती चावल को धो लीजिए. दो बार धोने के बाद एक कप पानी डाल के इस बासमती चावल को सोक करके रख दीजिए. तब तक एक पैन में दो चम्मच तेल डाल के प्याज, स्लाइस किए हुए प्याज डाल के उसको हल्के भूरा होने तक फ्राई करिए. आप चाहे तो आधा चम्मच नमक डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अगर आप इसमें नमक डाल रहे हैं तो बाद में बिरयानी में उतना नमक कम कर दीजिए. मतलब अगर आप बिरयानी में आप डेढ़ चम्मच नमक डाल रहे हो तो एक चम्मच नमक डालिएगा, ये ध्यान रखिए. तो हम प्याज को हल्के भूरे होने तक फ्राई करेंगे. मैं उसको बंद करके फ्राई कर रही हूँ क्योंकि वो जल्दी पक जाए. तो मेरा प्याज भूरा हो गया है, अब उसको अलग से एक प्लेट में निकाल के रख दिया. आपने 100 ग्राम पनीर लिया है, उसको क्यूब्स में काट के एक चम्मच हल्दी, करीबन आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक, इन तीनों को डाल के अच्छे से मिला के उसको फॉर्क से मिला रही हूँ मैं. आप चाहे तो फून से भी मिला सकते हैं. जस्ट हमें ये ध्यान रखना है कि नमक, हल्दी, सारे मसाले पनीर पे लग जाए, ज़्यादा नहीं मिलाना है. हमें पनीर को क्यूब्स में कटे रहना देना है. तो मैं उसी पैन में इन सब पनीर को डाल के भूरा होने तक उसको फ्राई करूँगी. ध्यान रखिए मैं कोई तेल नहीं डाल रही हूँ. इसको मीडियम आंच पे आप तब तक पकाएं जब तक पनीर भूरे रंग का ना हो जाए. ध्यान रखिए जब आप मीडियम फ्लेम में पका रहे हों तो आप ढक के रखें और उसको मिलाते रहिए. 5-10 मिनट लगेंगे इसको. ध्यान रखिए हमें बार बार मिलाते रहना है और हमें तब तक मिलाना है जब तक हल्दी का जो कच्चा फ्लेवर है वो चला जाए. 5-10 मिनट हो गया, मेरा पनीर हल्का भूरा रंग का हो गया. अब मैं उस पनीर को एक प्लेट में निकाल रही हूँ.
अब सूखे मसाले ले लेते हैं, तेज पत्ता, चक्रफल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी। इन सबको लेकर एक पैन में 3 चम्मच तेल डाल दिया है मैंने। 3 चम्मच तेल डाल के अब मैंने जो ये मसाले लिए हैं इन सबको सौते करेंगे करीबन 30 सेकेंड, ज़्यादा नहीं सौते करेंगे हम। 30 सेकेंड के बाद हमें 2 कटे हुए प्याज, स्लाइस किए हुए प्याज डाल के उसको सौते करूँगी। ध्यान रखिए हमें इसको 10 से 15 मिनट तक प्याज को पकाना है, जब तक प्याज हल्के भूरे रंग का ना हो जाए। और ये भी ध्यान रखिए अगर आप हाई फ्लेम में कर रहे हो तो बीच बीच में मिलाते रहिए। मैं ढक के पका रही हूँ ताकि मेरा प्याज जल्दी से पक जाए, लेकिन बीच बीच में हमें मिलाते रहना होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब 5-10 मिनट हो चुका है, अब मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फिर से अच्छे से पकाऊंगी। इसे मुझे तब तक पकाना है जब तक अदरक लहसुन का जो कच्चा फ्लेवर है वो चला ना जाए। इसमें मैं गाजर, आलू, मटर, गोभी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं उसमें सारी सब्जियाँ डाल रही हूँ। मैं ले रही हूँ कटा हुआ गाजर, आलू कटे हुए, गोभी मैंने उसको छोटे छोटे काट दिया है और मटर। आप चाहे तो और कोई सब्जियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको लेके अच्छे से मिलाइए। इनको मुझे 10 मिनट तक कुक करना है। आप इसको ढक के भी कुक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए हमें बीच बीच में ढक्कन खोल के उसे मिलाते रहना है ताकि हमारी सब्जियाँ जल ना जाए। तो 1-2 मिनट तक हमें कुक करके फिर उसको ढक्कन खोल के फिर हमें मिलाना है, फिर हमें ढक्कन भर के उसको बंद करके उसको फिर से हमें कुक करना है। तो ध्यान रखिए हमें मिलाते रहना है, ये प्रोसीजर 10 मिनट तक चलेगा। ध्यान रखिए हमें बीच बीच में मिलाते रहना है, जब तक ये कुक हो रहा है तब तक 2 टमाटर काट के उसको तैयार रखिए। अब मैं 2 टमाटर डाल के उसको अच्छे से मिला रही हूँ। ये तब करना है जब हम 10 मिनट तक सब्जियों को पका लिया हो, उसके बाद हमें टमाटर डाल के अच्छे से उनको मिक्स करके फिर से कुक करना है 5 मिनट, ज़्यादा नहीं। और अब मैं उसमें नमक डाल रही हूँ 1/2 चम्मच। नमक डाल के मैं उसको फिर से अच्छे से मिला के तारी ताकि सारी सब्जियों पे अच्छे से नमक लग जाए, और मैं उसको ढक के कुक कर रही हूँ। अब मैं उसमें 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच सूखा मेथी पाउडर और 1 कप दही, इन सबको डाल के अच्छे से मिला के 5 मिनट तक मिलने दूंगी, जब तक ये सारे मसाले आपस में एक दूसरे से मिल जाए। मिलाने के बाद 1-2 मिनट तक उसको ढक के पकाइए। ये देखिए मेरे मसाले अच्छे से एक दूसरे से मिल चुका है। अब मैं उसमें 1 कप चावल जो हमने धो के भिगो के रखे हुए थे 1/2 घंटे तक, उसको मैं डाल दी हूँ। अच्छे से मिलाइए ताकि मसाले चावल एक दूसरे से अच्छे से मिल जाए। अब मैं उसमें पनीर जो कि मैंने फ्राई किया था उसको मैं डाल के उसको अच्छे से मिला रही हूँ। अब मैं 1 कप पानी डाल के प्याज जो मैंने फ्राई किया हुआ था हल्का भूरा वो मैं डाल के अब मैं उस बिरयानी को ढक के पकाऊंगी। मुझे 40 मिनट लग जाएंगे पूरी बिरयानी तैयार होने के बाद। ये देखिए ये 40 मिनट के बाद की मेरी बिरयानी है। मेरी बिरयानी पूरी पक के
तैयार हो चुकी है। देखिए, तो जैसा कि आपने देखा है, मैंने पूरी बिरयानी एक पैन में बनाई है, ना कि कुकर में इस्तेमाल किया है, ना ही कोई दम लगाया है और ना ही कोई पनीर बिरयानी का मसाला इस्तेमाल किया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो, पनीर बिरयानी बनाने का वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स भी दीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।